वेलकम बैक टू द ब्लॉग। मैं हूं संदीप मिश्रा, मेरे चैनल चंडीगढ़ वाला में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों यार, आप सब पूछ रहे थे मुझे कि मुल्लापुर में कैसे पहुंच सकते हैं भाई, मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर काफी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो ही बना दी जाए इसके रिगार्डिंग। क्योंकि दोस्तों अभी 23 तारीख को जो यहाँ पे मैच होने वाला है, तो उस दौरान जो है लोग बहुत परेशान भी होंगे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यहाँ पे दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो आप पंजाब की साइड से भी आ सकते हैं, और ना आप अगर चंडीगढ़ की साइड से आते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो रोड है ये धनास की तरफ से रोड आ रहा है, और ये जो रोड है ये भी धनास का ही रोड है यहाँ से अंदर जाने के लिए, ठीक है। और जो ये रोड है बेसिकली ये आता है रोड, ये आता है 38 वाली साइड से, डड्डू माजरा वाला रोड है ये, 25 सेक्टर चंडीगढ़ की तरफ से जो रोड आ रहा है वो है, ठीक है। और अगर आप इस रोड से सीधा जाते हैं तो ये रोड जा रहा है न्यू चंडीगढ़ और बद्दी के लिए बेसिकली। अगर यहाँ से आप जाकर आगे लेफ्ट हो जाते हैं तो ये जो रोड जाता है न्यू चंडीगढ़ बेसिकली, और न्यू चंडीगढ़ वाली साइड से भी आप जा सकते हैं, वहां से आप जा सकते हैं भाई ओमैक्स होते हुए, ओमैक्स वाला रोड है ये, ठीक है। और वहां से आप बीच में से, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, ठीक है, अगर आप गूगल मैप पे डालेंगे तो आपको वहां पे प्रॉपर मिल जाएगा। बट एक दो महीने पहले एक नया रोड खुला जो तोगा पिंड को कनेक्ट करता है, और साथ में ही वो रोड जाता है भाई मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ, और ये एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट है। जैसे ही आप आएंगे भाई सेक्टर 25 की तरफ से यहाँ, वो तो आप देख सकते हो ये जो रोड है बेसिकली यहाँ पे लाइटें लग रखी है, ठीक है। आगे धनास का पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। यहीं पे जो आप एक कट देख पा रहे हैं बीच में, सामने आपको फ्लैट्स भी दिखाई दे रहे हैं, यहीं से आपने जो है आपने लेफ्ट लेना है अंदर को, और उसी रोड पे जब आप लेफ्ट लेते हुए जाएंगे तो आप सीधा पहुंचेंगे भाई मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ से ज्यादा नहीं तो 5 से 6 मिनट की दूरी पे मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ, आप बने रहो वीडियो में, आपको प्रॉपर आज पूरा गाइड करने वाला हूँ कि आप कैसे पहुंच सकते हैं भाई, बस आ सकते हैं नहीं, टैक्सी ले सकते हैं या फिर अपने व्हीकल से कैसे पहुंच सकते हैं, तो बने रहिए। दूर जाने पे आपको मिलेगा भाई यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ वाला बोर्ड, और आपको यहाँ से सीधे ही हो जाना है, ठीक है। देख सकते हो बिल्कुल सीधा आना है इस रोड पे, इसी रोड पे सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे ही आप हाईवे पे ऊपर चढ़ेंगे आपके सामने आपको जो है क्रिकेट स्टेडियम दिखाई देने लग जाएगा, बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ से पार्किंग के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए, कहाँ पे आप अपनी बाइक गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम के पास, आप देख सकते हो सामने ही है, और यहाँ पे जो है इसके और गेट भी हैं दूसरे, और इसका मेन गेट फ्रंट वाला वहाँ पे है, ठीक है। पेट्रोल पंप के जस्ट सामने ही है, ठीक है। आपको यहाँ से थोड़ा सा टर्न लेना पड़ता है क्योंकि बीच के रास्ते थोड़े से बंद किए हुए हैं, शायद तब तक खोल दिए जाए, क्योंकि अभी तो यार आपको पता है यहाँ पे काम तो देखो जोरों शोरों से चल ही रहा है ना, क्योंकि अगर ये रोड ठीक नहीं करवाया जाएगा तो भाई कैसे होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे VIP एंट्रीज भी होनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यार, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ऐसा रोड तो नहीं छोड़ने वाले ये 23 तारीख तक, ठीक है। उससे पहले पहले बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे, तो अभी लाइटें भी जल रखी है भाई अंदर, देखो लो भाई ये रहा रैंप ऊपर जाने के लिए। दोस्तों अंदर आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, बट एक ही चीज़ जो मुझे खल रही है वो यहाँ के रूफ टॉप्स नहीं है भाई, रूफ्स नहीं लगे हैं अभी तक। अगर बारिश आ गई तो 23 तारीख को तो भाई जैसे ही आराम हो जाएगा सबका, क्योंकि भाई बारिश में सब भीग जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो चेयर्स जो लग रखे हैं वो भी बड़ी शानदार है। अंदर का अगर आप वैसे देखोगे तो लाइट्स वगैरह, फ्लड लाइट्स जो लगी हैं वो बहुत ही शानदार हैं, ठीक है। और स्कोर बोर्ड जो है यहाँ पर वो भी दो दो स्कोर बोर्ड्स लगे हैं, ठीक है। सामने आप एक देख सकते हैं और एक आपको जो है दूसरी तरफ देखने को मिल जाता है, और ये देख सकते हैं आप पार्किंग वाला स्पेस नीचे काफ़ी सारा, ठीक है। और पिच देख सकते हैं कितनी शानदार अभी दिखाई दे रही है इस वक्त, और यहाँ का जो प्रोग्राम है भाई वो जोरों शोरों से चल रहा है। और आज तो जैसे कि मैंने आपको बताया टीम्स आने वाली हैं, तो आज टीम्स के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है। स्कोर बोर्ड सामने देख सकते हो, ठीक है, ये भाई मैनुअल वाला है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने डिजिटल स्कोर बोर्ड है वहाँ पर, ठीक है। तो दो स्कोर बोर्ड हैं, और सामने अगर आप नज़र डालेंगे तो जो सीट्स हैं उनसे कलर कोडिंग करके वहाँ पर PCA लिखा गया है, ठीक है, तो वो भी बड़ा शानदार लग रहा है। और हम इस वक्त हैं बिल्कुल टॉप लेवल के ऊपर, जहाँ से आप देख सकते हैं गोल्डन वाली चेयर्स लगी हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 रंग की चेयर्स लगी हैं, ब्लू, ऑरेंज और गोल्डन वाली। बैनर लगने शुरू हो चुके हैं, क्या बात है। पार्किंग की बात की जाए तो 1500 से 1600 गाड़ियां तो भाई जो स्टेडियम है इसके अंदर ही खड़ी कर सकते हैं हम, ठीक है। बाकी बाहर आसपास की बात की जाए तो ये जो एरिया ये थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा रिमोट एरिया है, और इसके आसपास खेत वगैरह बहुत सारे हैं, खाली जगह बहुत सारी अवेलेबल है, आप इधर उधर देख के भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं अपनी, ठीक है।
और दूसरी चीज अगर बात की जाए स्टेडियम के अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी अंदर 33,000 स्पेक्टेटर्स की कैपेसिटी अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी काफी अच्छी बात है। बाकी यार अंदर की वीडियो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो मैं कुछ शॉर्ट्स लगा दूंगा। ऑलरेडी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो डल रखी है, ऐसी एक नहीं मेरे चैनल पे दो वीडियोस हैं, एक पुरानी वीडियोस हैं उसमें ड्रोन शॉट भी अवेलेबल है स्टेडियम के, और अभी जो मैंने न्यू वीडियो करी है दो दिन पहले ही करी है तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेटेस्ट क्या लुक है भाई जो स्टेडियम की वो आपको देखने को मिल जाएगी उसके अंदर। बाकी यार और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। टिकट्स वगैरह का काउंटर आप मेरे पीछे देख सकते हो, टिकट का काउंटर ही है मेरे दोस्त। 15 तारीख बोला गया था कि 15 तारीख को टिकट्स जो है स्टार्ट हो जाएंगी मिलनी, बट अभी तक तो नहीं हुई है। हाँ ऑनलाइन टिकट्स फिर भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आप चेकआउट कर सकते हैं, लोगों ने टिकट्स खरीद भी ली है। 500 रुपए से टिकट स्टार्ट थी जो कि अभी 1200 1500 2000 के बीच में रहेगी। पेटीएम इनसाइडर ऐप के अंदर आप जाएंगे वहां पे 500 रुपए से टिकट की स्टार्टिंग है, ठीक है। और आज जो खास बात यह कि टीम्स भी आ रही है दोस्तों, आज ये बन रहे हैं सामने मेरे देख सकते हो आप टिकट काउंटर, ठीक है, अभी टिकट काउंटर तैयार नहीं हुआ है, कह रहे हैं कि 17 तारीख से यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिलनी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी रोड का काम आप देख सकते हो कितने जोरों शोरों से चल रहा है, वो देख सकते हो आप, रोड का काम तो पूरा चल रहा है भाई यहाँ पे, क्योंकि आज टीम्स भी आने वाली हैं, आज 15 तारीख है दोस्तों, देख सकते हो भाई कच्ची फसलें काटी जा रही है, ठीक है, कहते हैं कि पैसे पुसे दे दिए गए हैं सबको इनको। यहाँ पे जो है पार्किंग की सुविधा की जा रही है थोड़ी सी, ठीक है, इसीलिए भाई अब यहाँ पे पार्किंग वगैरह होगी तो यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं बाहर। इसलिए काट रहे हो क्या सीन है? कंपनी इसको ले लिया। अच्छा कंपनी खरीद लिया, जगह खरीद लिया? नहीं, फसल। अच्छा फसल खरीदा है तो, अच्छा तो मतलब कहने का है कि यहाँ पे जो है पार्किंग वगैरह करेंगे, है ना? क्या कीजिएगा सर जी, तो पकी नहीं है तो वो बात तो है सही, मगर ये बात है ना इसको पार्किंग बनाना गाड़ी के लिए ना, सिर्फ ये 10 दिन 15 दिन जितना दिन तो नुकसान नहीं होगा, ये नुकसान भर दिया कंपनी तो दे दिया, लेकिन तभी भी इतनी मेहनत लगी थी देखो इसे लगाने में, कितना आदमी खाता है इसमें, कितना आदमी खाता है, तो गलत है पर चलो क्या कर सकते हैं, ये भी जरूरी था वैसे, इस बार जरूरी था, चलो किसान की मेहनत तो खराब नहीं हुई, इतनी थोड़े दिन बाद ये सुनहरी सुनहरी फसलें तैयार हो जाती, पर चलो कोई बात नहीं, बन गई। हाँ यस, तो दोस्तों मैं भी चला घर, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए मैंने भी फसलें काट दिया, मैं भी देशद्रोही बन चुका हूँ दोस्तों, मैं जा रहा हूँ चारा बनाएंगे भैंसों खिलाएंगे, है भाई। संदीप भाई कहाँ लेके जा रहे? सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, हमने आपको दिखाया इस वीडियो में कि आप मुल्लापुर स्टेडियम तक कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सी रोड से नहीं आना है, कौन सी रोड से आना है, और साथ में आपको कितनी पार्किंग मिल जाएगी और कहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।